मेरे पिताजी डॉक्टर है, लेकिन मेरे पिताजी से मैं सुना था बचपन में, उन्होंने बीसी स्कॉलरशिप से जो मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन बाद में हुई उसके पहले वो पढ़े, जो कालेलकर कमीशन में संविधान सभा में चर्चा हुई थी उसी मद्रास प्रेसिडेंसी की परंपरा से उड़ीसा में बीसी स्कॉलरशिप से मेरे पिताजी डॉक्टरी पढ़े। वो बीसी स्कॉलरशिप मिला, डॉक्टरी पढ़े, तो मैं सभापति जी आपकी अनुमति में दो शब्द आज कह पा रहा हूं। मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मंत्रिमंडल में हूं। लेकिन शुरुआत कहां हुई? ऐसे ही सारा विषय कालेलकर कमीशन में कहा गया था, ऐसे ही सारा विषय मंडल कमीशन में कहा गया था। इसीलिए सभापति जी ये गैर जिम्मेवार होगा ये कहना, सभापति में संभव करता हूं कि हमारे वहां लिस्ट नहीं है। उड़ीसा में आज भी लिस्ट है। आपको कौन मना किया था सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में? आपको एक दिखाना था। 52% लोग उड़ीसा में पिछड़े जाति के हैं। आपकी मन में क्या है भगवान को, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा। आप सांकेतिक रूप में चले गए हाईकोर्ट में, कोई कुछ लोगों को भेज दिए। तो आपकी के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं, राजा स्वयं जैसे लोग कहते हैं कि भाई लोग निर्णय किए 27% रिजर्वेशन देने के लिए उड़ीसा में, फिर पीछे से किसी को भेज दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए? भारत, अच्छा ठीक है, मैं अगर गलत हूं तो मेरे तथ्य को निकाल देंगे सभापति जी। अगर मेरे सभापति जी मेरे तथ्य गलत होगा तो एक्सपंज किया जा सकता है, गलत होगा तो। लेकिन सभापति जी अभी सुशील जी उसकी ब्यौरा दे रहे थे, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हमने स्पेशल लीव पिटीशन फिर डाला 8 दिन के अंदर। आप 14 से हाईकोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद, स्ट्राइक डाउन होने के बाद आज 2021 माने पर आपको आश्चर्य होगा, सदन को आश्चर्य होगा, उड़ीसा एकमात्र राज्य होगा जहां एक स्टेट लिस्ट है। ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट नहीं है, सारे राज्यों में स्टेट लिस्ट है, मेरे राज्य में स्टेट लिस्ट है। उस स्टेट लिस्ट के आधार पे आपको एक ही राज्य शायद उड़ीसा होगा शायद, जहां पिछड़े जाति की लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यह भी है, चलो प्रजातंत्र है, जब समझ में आएगा तब आप देंगे, गुहार करने के अलावा तो कुछ जगह नहीं है। इसीलिए जो कोटा और इंदिरा साहनी ने क्या कहा, इंदिरा साहनी वेंकट चलिया के जो 9 सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कभी मना नहीं किया, विशेष परिस्थिति में राज्य अपना अधिकार जाहिर कर सकते हैं, राज्यों ने किया। इसलिए यह भ्रम फैलाना, केंद्र की कोर्ट में बल फेंक देना कि 50% के ऊपर आप हमारे आपके कारण नहीं जा पा रहे या लिस्ट नहीं है इसीलिए हम कर नहीं पा रहे, दोनों तथ्य के आधार पर नहीं है। सभापति महोदय, मैं सबको, आज एक बौद्धिक चर्चा हुई, सबने मिलकर कुछ एक देश की वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, विशेष करके सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आज सदन एकमत है। मैं फिर आप सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, हम संकल्पबद्ध है। सभापति जी मैं एक ही थोड़ा शायरी तो कह दूं आज, आज आपकी अनुमति से, हमारी सरकार की फिलोसफी मैंने बताया लेकिन मैं इरादा भी बताता हूं। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। धन्यवाद सभापति।